अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, शनीला किचन में एक बार फिर से वेलकम। आज हम आपको बहुत अच्छे से दही बड़ू के मसाले की रेसिपी देंगे। बहुत यूनिक सी रेसिपी है और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ चार चीज़ें हमें चाहिए होगी और बहुत अच्छा सा आपका दही बड़ू का मसाला घर में तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से आप शनीला किचन को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। दही बड़ू का मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। हमने आधी प्याली साबुत धनिया लिया है, उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। आधी ही प्याली हमने साबुत मिर्चें लिए हैं, लाल वाली। आधी प्याली हमें ज़ीरा चाहिए। दो खाने के चम्मच हमें काली मिर्चें चाहिए। आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे। इन सब चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन रख लेते हैं चूल्हे पर। सबसे पहले साबुत मिर्च डालेंगे क्योंकि ये टाइम लगाएंगे रोस्ट होने में। जब तक हम लाल मिर्च रोस्ट कर रहे हैं, आप शनीला किचन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इसके अंदर हम काली मिर्च डाल देंगे, दो खाने के चम्मच मैंने जो बताई थी। आप ये घर में बना के रख सकते हैं आराम से। रमज़ान आने वाले हैं तकरीबन, तो ये आप घर में बना लें। घर में सबके घरों में रमज़ानों में दही बड़े बनते ही हैं, तो इसके लिए ये मसाला बहुत अच्छा रहेगा। अब धनिया डाल देंगे इसके अंदर। बस ये ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ जले ना। ज़ीरा सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि ज़ीरा जल जाता है, तो ज़ीरा कुछ टाइम नहीं लगता क्योंकि हमारा पैन भी इतना गर्म है। अगर आप चूल्हा बंद करके डालेंगे जब भी ज़ीरा रोस्ट हो जाएगा। काली मिर्चें, साबुत धनिया यही टाइम लगाती है सिर्फ रोस्ट होने में। और आपको पैन का चूल्हा बिल्कुल हल्का रखना है। तरीके से मीडियम आंच में हमें वॉश करनी है चीज़ों को। हल्के से इसमें खुशबू आने लग जाएगी। हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। फिर एक मिनट और लगेगा क्योंकि पूरा मसाला हमारा रोस्ट हो जाएगा। फिर हम इसको मिक्सी में डाल के या इमाम दस्ते में डाल के कूट के और इसको आराम से कांच की जार के अंदर निकाल के आप रख सकते हैं 15 दिन 20 दिन के। पूरे रमज़ान के लिए बनाना हो तो पूरे रमज़ान के लिए बना के रखते हैं, क्योंकि रमज़ानों में तो डेली बेसिक पे हमें दही बड़ों का मसाला, चाट मसाला ये चाहिए होता है। और जब आपके ख़ुद के हाथ का बना हुआ होगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और अच्छा भी लगता है। इंसान अपने हाथ से खाना चीज़ें बनाए, मसाले बनाए, खाना बनाए तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर कोई तारीफ करे तो फिर और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भी लग गई मसाले को इस तरीके से मिक्सी में डाल देंगे सारे। सारे मसाला इसी कूटे में हमने डाल दिया। अब इसको इस तरीके से कूट लेंगे। 10 मिनट लगेंगे, आराम से कूट जाएगा। 2 मिनट, दो मिनट करके भी आप कूटेंगे तो ये कूट जाएगा। इस टाइम पे हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, हमने आपको बताया था। ये पर शीशी ले लेंगे, उसके अंदर रखेंगे हम इसको। आराम आराम से मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारे दही बड़ों की मसाले की खुशबू नहीं निकले जब हमें डालना हो, जब हम निकालें, जब फ्रेश फ्रेश खुशबू आए इस मसाले की। इसी तरीके से हम आपको बहुत जल्द चाट मसाले की भी रेसिपी देंगे। ये रमज़ान में हमें इन दो ही चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
देखा नाजरीन इस तरीके से हमने दही बड़े का मसाला एक सेव करके रख दिया है, आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि दही बड़ों के मसाले आजकल इतने महंगे मिलने लग गए, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई। उसको देखते हुए हमने सोचा कि आपको हम घर में ही दही बड़ों का मसाला बनाना सिखाए। तकरीबन हमारे ये 100 रुपये में दही बड़ों का मसाला तैयार हो गया फुल मंथ के लिए, आराम से ही आपके एक महीने चलेगा। और जब आप निकालेंगी जब इसके अंदर इसकी ही खुशबू आएगी जैसे पहले दिन आई है, बस आपको ये ख्याल रखना है इस तरीके से एयर पैक शीशी लेनी है या कोई भी प्याला लेना है कि उसके अंदर रखना है। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए दे इजाज़त, आपकी शेफ शनीरा को अल्लाह हाफ़।